दोस्तों क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर लेटेस्ट खबर और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ इस घंटा को भी दबा देना ताकि आप कोई भी खबर या जानकारी मिस न कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हमीर, आप केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया आईएसएल 5 से जुड़े एक और नया वीडियो लेकर, और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एटीए के स्क्वाड के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको एटीए के ऐसा 20 खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा जो आईएसएल 5 के लिए एकदम कन्फर्म हो चुका है। आईएसएल 5 में एटीए की तरफ से खेलेगा 20 खिलाड़ी, लेकिन दोस्तों इनके अलावा और भी बहुत सारे खिलाड़ी अभी भी ज्वाइन होने वाला है एटीए की टीम में। तो चलिए, जो 20 खिलाड़ी का नाम कन्फर्म हो चुका है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि मैं आपको एटीए का ऐसा 20 खिलाड़ी का नाम बताऊंगा जो आईएसएल 5 के लिए एकदम कंफर्म हो चुका है, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारे खिलाड़ी आने वाला है। इन सब के अलावा बहुत सारे फॉर्चुनर खिलाड़ी भी अभी भी आने वाला है एटीए की टीम में। तो दोस्तों चलिए अभी देख लेते हैं कि कौन कौन अभी तक इनके टीम में शामिल हुआ है। तो अगर गोलकीपर की बात करें तो यहाँ पर 3 गोलकीपर आया है। पहला है देवजीत मजुमदार, उसके बाद है अरिंदम भट्टाचार्य और तीसरा है अभिलाष पॉल। और इसके बाद हम अगर डिफेंडर की बात करें तो यहाँ पर एटीके ने अभी तक 6 डिफेंडर को शामिल किया है। तो पहला है जॉन जॉनसन जो बेंगलुरु एफसी से एटीके में शिफ्ट हुआ है, उसके बाद है आइवर लंकोक जी, उसके बाद है सेना डॉल्ट, उसके बाद है रिकी लाल लाव मावा, उसके बाद है परबीर दास और है अर्णब मंडल। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 6 डिफेंडर अभी तक एटीके टीम में आया है। उसके बाद नेक्स्ट है मिडफील्डर, तो यहाँ पर दोस्तों 7 मिडफील्डर शामिल किया है एटीके ने अभी तक। तो पहला है प्रणय हलदार, उसके बाद है युजेंसन लिंडो, 3 नंबर पर है हितेश शर्मा, 4 नंबर पर है शेख फयाज, 5 नंबर पर कमल थारर, उसके बाद है केविन लोबो और लास्ट में जो आया है दोस्तों मैनुअल लंचारोड। तो दोस्तों ये तो हो गया मिडफील्डर, अब चलिए देख लेते हैं कि फॉरवर्ड में अभी तक कौन कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 खिलाड़ी अभी तक एटीके में आया है फॉरवर्ड। तो पहला है यमुनान गोपी सिंह, उसके बाद है जयेश राणे, उसके बाद है बलवंत सिंह और लास्ट में आया है दोस्तों कालू योके। दोस्तों कालू योके पिछले बार दिल्ली डायनामोज की तरफ से खेला था। तो दोस्तों कालू योके इस बार एटीके में सबसे पहले आया है। जो फॉर्जनर प्लेयर के अगर लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर है कालू योके, उसके बाद है जॉन जॉनसन और मैनुअल लांचारोड। तो अभी तक इन तीनों ही फॉर्जन खिलाड़ी एटीके टीम में शामिल हुआ है, और भी बहुत सारे खिलाड़ी आने वाला है। उनका जो लिमिटेशन है 7 खिलाड़ी का, तो अभी तक 3 है और अभी भी 4 आने वाला है। तो दोस्तों अभी तक एटीके ने 20 खिलाड़ी को ही शामिल किया है, और भी अगर कोई नया खिलाड़ी आ जाता है तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे बताइए, और आपका अगर कोई भी सवाल हो एटीके से जुड़े आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी सही सही आईएसएल खबरों के बारे में पता चले। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।